गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं से विषय हमारा हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्यपुस्तक जो हिंदी व्याकरण है हमारी उससे है पाठ नंबर 12 विशेषण। आज हम जानेंगे विशेषण विषय के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कि विशेषण क्या है। देखिए, जैसे कि आप सभी व्यक्ति जानते हैं, आप पिछली कक्षाओं में भी आप सबने पढ़ा है विशेषण के बारे में। जैसे यहाँ पर जैसे पूरी दुनिया में संसार में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी हर वक्त किसी कोई ना कोई विशेषता गुण धर्म दोष सब कुछ होता है। यानी किसी में कोई गुण होता है, किसी में दोष होता है। कोई जैसे यहाँ पे जो हम भी देखते हैं कि आपके आसपास व्यक्ति हैं, जानवर हैं, जो भी प्राणी हैं, वो एक जैसे नहीं होते। कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, और कोई किसी का रंग होता है तो काला होता है, कोई गोरा होता है। और ऐसे प्रकार जानवरों में भी होते हैं कि कोई सुंदर लगता है, कोई भद्दा लगता है, कोई स्थान हमें रोमांचक लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और कोई स्थान हमें उबाऊ लगता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी जानवर जिसमें भी कोई भी विशेषता है या दोष है वो क्या होता है विशेषता। यानी जो ये विशेषता हो तो शब्दों की जो विशेषता होती है वही विशेषण होती है। तो परिभाषा क्या करेगी विशेषण की, जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का पता चलता है। देखिए, तो दुनिया में जितने भी वस्तु के हैं, स्थान है, प्राण सबका नाम और उनकी जो विशेषता है उनकी विशेषण है। जैसे लंबा पतला काला कोरा आदि। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई लंबा जैसे कोरा तो क्या कहेंगे, गोरा लड़का। तो गोरा तो क्या है विशेषण है, लड़का लड़की की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या है हमारा विशेषण। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, शरारती बच्चा आ गया। ये जो शरारती है, ये बच्चा क्या है, इसकी तो विशेषता क्या है, ये शरारती है। ठीक है, जो ये शरारती शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है इसकी विशेषता है बच्चे। मैंने अभी नाम लिखा विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर बच्चे, तो बच्चा क्या है यहाँ पर शरारती है। तो ये जो बच्चा है इसकी विशेषता बताई गई है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा विशेष्य। और ये क्या है इसकी विशेषता, व्यक्ति दोष हो गया श्राप। उसके बाद जो सब विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इन्हें पर देखिए, शरारती बच्चा आ गया, शरारती क्या होती है और इसके लिए जो विशेषता अगर यहाँ लिख दें बहुत बहुत शरारती बच्चा है, इसकी भी जो विशेषता ये क्या हो गया, इसका जो बहुत है इसका पर विशेषण हो गया, विशेषण की भी विशेषता है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वह बहुत गोरा लड़का है। अगर ये ना लिखे वह गोरा लड़का है, ये तो हो गया ही विशेषता और ये हो गया विशेषण। लेकिन बहुत गोरा इसकी भी विशेषता है, ये ऐसे शब्द होते हैं वो कहलाते हैं पर विशेषण। उसके बाद हमारे आते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर एक गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी उनके गुण दोष दशा हालत का होना वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भला बुरा झूठा बेईमान ईमानदार गीला सूखा इस प्रकार से। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, एक हमें संख्या का बोध होता है कि व्यक्ति
निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जिसमें हमें संख्या का बोध क्या होता है, हमें संख्या को बता सकते हैं कि भी एक है, दो है, तीन है। अब देखिए जैसे है, दोनों बहनों में सीला बड़ी है, यानी दोनों वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक। या फिर दो कक्षा में 40 बच्चे हैं, ये 40 क्या है, निश्चित है, यानी संख्यावाचक तो है ही, लेकिन वो क्या है, 40 है तो वो निश्चित है कि हमें पता है कि हम कितने संख्या। दूसरा है इसका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में हमें पता नहीं होता कि भाई संख्या कितनी है, वहां पर ही बोल सकते हैं कि संख्या में सॉरी कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, ये जो कुछ है ना, ये कुछ है, वो अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, क्योंकि हमें संख्या का पूरा नहीं पता है कितने है वो, यानी कुछ या फिर कहें सब, इस प्रकार की संख्या। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, हमें वस्तुओं पदार्थों के माप तोल का बोध होता है, ये मापने तोलने में वो कितनी है, एक किलो, दो किलो, 10 किलो, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, इस प्रकार से। इसी प्रकार जैसे संख्यावाचक के दो भेद थे, इसी प्रकार परिमाणवाचक के भी नंबर एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर दो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार जैसे संख्यावाचक में था, इसमें भी निश्चित होता है कि एक किलो है, 10 किलो है, 2 दर्जन है, 4 दर्जन है, इस प्रकार से। लेकिन अनिश्चित में हमें ज्ञात नहीं होता कितना है वो, जैसे कुछ दूध दे दो, कुछ पानी दो, कुछ सेब दे दो, इस प्रकार से। उसके बाद आता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो संख्या या सर्वनाम शब्दों से पहले, यानी क्या होता है इसमें, जब कोई सर्वनाम सब संख्या शब्द से पहले कोई सर्वनाम होता है, जैसे नाम ही क्या है, सार्वनामी, यानी हमें कुछ सर्वनाम मिलेगा वहां पर, लेकिन संख्या शब्द से पहले या विशेषण की तरह संख्या की विशेषता होता है, ठीक है, या तो कोई संख्या शब्द से पहले लिखा मिलेगा या फिर वाक्य में विशेषण की वो विशेषता प्रकट करता हुआ दिखाई देगा। अब इसको जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, देखिए कौन छात्र, यह काम करेगा। देखिए ये क्या है, संख्या, और इस संख्या से पहले क्या है, ये सर्वनाम है, पशुवाचक सर्वनाम है, और तो ये क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण। आपको यहाँ पर संख्या शब्द मिल सकता है और उससे पहले क्या मिलेगा, आपको सर्वनाम मिलेगा, तो वो क्या कहलाती है, सार्वनामिक विशेषण। और यहाँ पर देखिए जो ये है काम करेगा, यह है, यह भी तो क्या है, यह भी तो सर्वनाम है, और इस प्रकार से जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आएंगे या वाक्य में विशेषण की विशेषता बताएंगे तो वो कहलाएंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, आपको अच्छे से इसको